हिंदुस्तान में स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है इस साल अब तक देश भर में स्वाइन फ्लू के दो से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं इसकी चपेट में आकर कम से कम 77 लोगों की जान भी जा चुकी है सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक स्वाइन फ्लू के दो मामलों में से 1,508 मामले राजस्थान से आए हैं इस मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर है जहाँ चार लोग स्वाइन फ्लू की चपेट में आ चुके हैं वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तीन लोग इसके शिकार हुए हैं लेकिन यहाँ अभी तक स्वाइन फ्लू से किसी की मौत की खबर नहीं है गुरुवार तक हरियाणा में दो स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं इसके अलावा उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू से एक फ्रांसीसी नागरिक समेत नौ लोगों की मौत की खबर है जबकि इसकी चपेट में आए उन्नीस लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है इस बीमारी से होने वाली मौतों के आंकड़े को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में राज्य के साथ बैठकर उनसे नमूनों की जांच जल्द करने और अस्पतालों में बेड रिजर्व करने को कहा था